गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आवाज आ रही है? अपने जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें अर्डमानिया के जनन को पढ़ा था। अपन 5 मिनट रिवाइज कर लेते हैं कि अपन ने जनन में क्या क्या पढ़ा था। देखिए, अर्डमानिया के जो जननांग होते हैं, मैं विशेषकर रिवाइज इसलिए कर रहा हूं, कुछ नए स्टूडेंट जुड़े हैं, कि अर्डमानिया एक उभयलिंगी प्राणी होता है। देखिए, आपने विशेष तौर से ये तो पढ़ा है कि हमेशा एक लिंगी, लेकिन अर्डमानिया में क्या होता है, दोनों प्रकार के जननांग पाए जाते हैं। अब उभयलिंगी का मतलब क्या है कि मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स एक ही जंतु पर पाए जाते हैं। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि ये दोनों पालियां लोब होती है। इसमें क्या होता है, ये वाला जो लास्ट पोर्शन होता है ये कहलाता है ओविड्यूकल एपर्ट्योर। ओविड्यूकल एपर्ट्योर, अगर आपको साफ नहीं दिख रहा, मैं लिख देता हूं, ओविड्यूकल एपर्ट्योर, जिसकी सहायता से क्या है कि शुक्राणु और अंडाणु जो भी होते हैं वो अलग अलग क्रम से शरीर से क्या होंगे, बाहर त्यागे जाएंगे। अब होता क्या है कि इनका जो भी जॉन है उनमें क्या होता है, प्रत्येक जॉन में दो प्रकार के जननांग पाए जाते हैं। अर्थात अगर आप इस डायग्राम से देखें तो आपको क्या दिखाई देगा कि इनमें पालियां जो ये लोब है स्टार्टिंग वाले, ये जोड़ियों के रूप में, पेड़ के रूप में, अर्थात 1 2 3 4 5 6। अब होता क्या है, इनकी संख्या लगभग 15 से 25 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 15 से 25। अब इस जो पाली है इसमें होता क्या है, मादा जननांग ऊपर की ओर और नर जननांग क्या होगा, जस्ट नीचे की ओर उपस्थित होगा। अब डायग्राम में तो मैं दोनों को साथ दिखा रहा हूं, लेकिन रियलिटी में क्या है, रियलिटी में वो ऊपर और नीचे इस प्रकार स्थित होते हैं, जस्ट एक दूसरे के नीचे। अब होगा क्या, टेस्टिकुलर जोन अर्थात टेस्टिस, ओवेरियन जोन ओवेरी। अब और ये जितने भी पेयर है इनमें जननांग उपस्थित है, लेकिन ध्यान रखना इनको हम स्मॉल पेयर्ड जोन कहते हैं, जबकि जो हमारा लास्ट एरिया है, आप लास्ट एरिया में जाएंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, ये सिर्फ एक ही है। ये क्या है, सिर्फ वन, इकलौता, इसीलिए हम इसको अनपेयर्ड कह रहे हैं, क्योंकि ये तो सारे पेयर्ड जोड़ों के रूप में है, ये क्या है, इकलौता सिंगल है, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, अनपेयर्ड लार्ज लोब। अब होता क्या है, मैं इसे बता दूं, जायांग पूर्विता पाई जाती है। क्या होगा, मादा तो कुछ समय बाद ही जन्म के प्रजनन योग्य हो जाती है, लेकिन जो नर है वो क्या होता है, प्रजनन योग्य नहीं होता है। अर्थात नर है वो प्रजनन योग्य नहीं है। अब इसका सबसे बड़ा लॉ क्या रहता है कि मादा तो जन्म के कुछ समय बाद प्रजनन योग्य हो जाती है, लेकिन नर है वो प्रजनन योग्य अभी नहीं है। जैसे ही वयस्क अवस्था आएगी नर क्या होगा, प्रजनन योग्य हो जाएगा। अब होगा क्या, नर और मादा दोनों प्रजनन योग्य हो गए। अब क्या होगा, बिल्कुल ऊपर मादा जननांग, नीचे नर जननांग है। अब क्या होगा कि दोनों ये, अब नर जो नर जननांग है विरसन, उसमें क्या होगा, शुक्र जनन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होगा। ये शुक्राणु वाहिनी से होते हुए शुक्र वाहिका में वैश डिफरेंस में आके रुक जाते हैं। अब अंडाणु जो बने हैं वो क्या होंगे, अंडवाहिनी द्वारा लास्ट के इस पोर्शन में आके इकट्ठे हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ क्या होगा, इस लास्ट पोर्शन के अंदर ये जो डायग्राम का आपका पोर्शन दिख रहा है, इसमें क्या होगा, ऊपर की ओर अंडाणु और नीचे की ओर शुक्राणु आकर एकत्रित हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए, आपस में मिलेंगे नहीं, अगर आपस में मिल जाते हैं तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन या निषेचन हो जाएगा। दोनों ऊपर और नीचे उपस्थित होते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी विशेषता क्या होगी कि जैसे ही प्रजनन का समय आ रहा है, अब क्या होगा, अपन को पता होता है कि अर्डमानिया समुद्री पिचकारी है, अर्थात अर्डमानिया एक समुद्री पिचकारी है। इसका मतलब जलधारा जो ब्रेंकियल एपर्ट्योर द्वारा आ रही है, एट्रियल एपर्ट्योर द्वारा क्या होगी, बाहर निकलेगी। अब जलधारा जो बाहर निकल रही है उसमें क्या होगा, ये कर्म वाइज पहले अंडाणुओं का और फिर शुक्राणुओं का श्रावण करेगा। अब देखिए, अगर कर्म वाइज ना करे तो जैसे ही शरीर में शुक्राणु और अंडाणु को एक साथ बाहर भेजेगा, क्योंकि हम जानते हैं शुक्राणु और अंडाणु का मिलते ही फर्टिलाइजेशन या निषेचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। इसका मतलब पहले ये अंडाणुओं को बाहर भेजेगा और कुछ समय बाद ये शुक्राणुओं को बाहर
भेजता है, और जब शुक्राणु और अंडाणु दोनों बाहर चले जाएंगे तो दोनों बाहर जाने के बाद क्या होगा, एक दूसरे से मिल जाएंगे, और शुक्राणु और अंडाणु के मिलन होने से ही हमारी निषेचन या फर्टिलाइजेशन की क्रिया क्या हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। अब हमारे को पता है कि शुक्राणु और अंडाणु शरीर से बाहर मिल गए, इसका मतलब इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या बाह्य निषेचन पाया जाता है। अब एक नंबर का प्रश्न आता है, ये ध्यान रखिएगा, एक नंबर का प्रश्न कई बार पूछा गया है कि एक तो जायांग पूर्विता क्या होती है, दूसरा जायांग पूर्विता क्या होती है, सेकंड पूछा जाता है कि इनमें आंतरिक निषेचन क्यों नहीं होता। तो जो पहला प्रश्न है अपन एक एक भाई इनके उत्तर ले लेते हैं। दो क्वेश्चन इसमें जनन पे विशेष तौर से बनते हैं। पहला होता है जायांग पूर्विता क्या होती है, ये पहला प्रश्न होता है जायांग पूर्विता क्या होती है। दूसरा प्रश्न होता है हर्डमानिया में आंतरिक निषेचन क्यों नहीं हो पाता, इनर फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं होता। तो देखिए जायांग पूर्विता क्या होती है, मैं पहले रिवाइज कर सकता हूं, वापस रिवाइज कर रहा हूं कि जायांग पूर्विता का मतलब है कि मादा के जननांग तो जन्म के कुछ समय बाद ही परिपक्व हो जाते हैं, अर्थात वो प्रजनन के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन नर के जननांग अर्थात मेल ऑर्गन्स है वो अभी तैयार नहीं हुए हैं, इसी कारण वो प्रजनन नहीं कर पाती है, और मेल के ऑर्गन्स मैच्योर स्टेज या वयस्क अवस्था में ही तैयार होते हैं, इसी को जायांग पूर्विता कहते हैं। जायांग पूर्विता का बेसिक मतलब क्या है, मादा जननांग तो जन्म के कुछ समय बाद परिपक्व हो जाएंगे लेकिन नर जननांग वयस्क अवस्था में ही परिपक्व होते हैं, इसी को जायांग पूर्विता कहते हैं। दूसरा जो प्रश्न है हर्डमानिया में आंतरिक निषेचन क्यों नहीं होता, तो इसका सीधा सा उत्तर है कि हर्डमानिया में जायांग पूर्विता पाई जाती है, इसीलिए इसमें आंतरिक निषेचन नहीं हो पाता। अगर जायांग पूर्विता नहीं होती तो इसमें आंतरिक निषेचन होता। अब क्यों नहीं, जायांग पूर्विता का मतलब क्यों, क्योंकि अंडाणु तो तैयार हैं लेकिन शुक्राणु बने ही नहीं है जायांग पूर्विता के कारण, इसीलिए इसमें आंतरिक निषेचन नहीं हो पाता है। अब हमारा अगला जो टॉपिक रहेगा इसी में कंटिन्यू, वो है निषेचन में पहला पॉइंट है विदलन, जिसको हम कल पढ़ चुके हैं, वापस अपन स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखिए हमें पता है कि जो परिवर्तन की स्टेज होती है उसमें सबसे पहला जो स्टेज आती है वो आती है विदलन, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं क्लीवेज। अब विदलन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कोशिकाओं का विभाजन होना, अर्थात कहने का मतलब क्या है, एक शुक्राणु और एक अंडाणु जब दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, इससे एक कोशिका का निर्माण हो रहा है, जिसको हम ज्यादातर जायगोट कहते हैं, युग्मक या युग्मज कहते हैं। अब जायगोट का निर्माण हो गया, अब क्या होगा, इसमें विभेदन प्रक्रिया प्रारंभ होगी, क्योंकि देखिए अभी ये वन सेल है, अब इसमें बार बार विभाजन होंगे। अब बार बार विभाजन क्यों हो रहे हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के कोशिकांग क्या होंगे, इसमें बन सके। अब विभिन्न प्रकार के कोशिकांग बार बार बन सके, इसीलिए इसमें क्या होती है, जायांग पूर्विता पाई जाए, इसीलिए इसमें क्या होंगे, विभिन्न प्रकार के कोशिकांग बन सके, इसके लिए क्या है, इसीलिए इसमें क्या होगा, नेक्स्ट जो प्रक्रिया होगी वो क्या होगी, विदलन। विदलन में क्या होगा, एक कोशिका दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगी, एक कोशिका दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगी। और क्लीवेज का या विदलन का सामान्य अर्थ अगर मैं कहूं इंग्लिश में तो होता है डिवाइडेड, और हिंदी में कहूं तो इसका सामान्य अर्थ होता है विभाजन, अर्थात एक बार बार विभाजन हो रहे, बार बार विभाजन होते रहेंगे। अब देखिए आप किसी वस्तु को काटेंगे तो प्रारंभिक जो विभाजन होगा वो तो क्या होगा, बिल्कुल बीच से काटा तो क्या होगा, इक्वल या समान प्रकार का, लेकिन जब बार बार विभाजन होंगे तो वो कैसे होंगे,
असमान प्रकार के। अब ये चूंकि डायगोट है, इसमें पहला विभाजन हो गया तो कितनी सेल बन गई, टू सेल, दो कोशिकाएं बन गई। अब वापस इसमें कितना विभाजन होगा, वापस इसमें जब नेक्स्ट विभाजन होगा तो कितनी कोशिकाएं बन जाएगी, चार सेल। अब चार सेल बन गई है, अब चूंकि देखिए चार सेल बन गई है, इसका मतलब विभाजन अभी भी कितना है, इक्वल प्रकार का, अर्थात यहां देखेंगे तो दोनों कोशिकाओं का आकार क्या है, समान है, और यहां देखेंगे तो चारों कोशिकाओं का आकार समान है। लेकिन अब जैसे ही विदलन आगे चलेगा, यह कोशिकाएं अनइक्वल या असमान प्रकार की हो जाएगी, कहने का मतलब इस डायग्राम से। अब ये जब आठ कोशिकाएं बनी है तो ये अनइक्वल डिवीजन है, अर्थात असमान विभाजन है। इसका मतलब कह सकता हूं कुछ कोशिकाएं तो क्या होगी, आकार में बड़ी होगी, जबकि कुछ कोशिकाएं क्या होगी, आकार में छोटी होती है। अब ये विभाजन निरंतर चलता रहेगा, जिससे क्या होगा, दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होगा, एक बड़ी कोशिकाएं, एक छोटी कोशिकाएं। बड़ी कोशिकाएं जो होगी वो होगी मैक्रोमियर, छोटी को माइक्रोमियर कहते हैं, मैक्रोमियर एंड माइक्रोमियर, बड़ी और छोटी कोशिकाओं का निर्माण होगा। अब एक समय ऐसी स्टेज आएगी, क्योंकि विदलन का अर्थ है विभाजन, अब सेकेंड जो स्टेज आती है वो आती है ब्लास्टुला, और ब्लास्टुला स्टेज की जो निशानी है कैसे पता लगेगी, तो हमको पता होता है ब्लास्टोसील, अर्थात इस जो कोशिका है इसके मध्य, अगर इसके मध्य बिल्कुल एक छोटी सी गुहा का निर्माण हो जाता है, ये छोटी सी गुहा निर्माण होते ही इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्क गुहा, और इंग्लिश में कहते हैं ब्लास्टोसील। जैसे ही ये गुहा का निर्माण हो जाता है, इसका मतलब ये जो कोशिका है अब ये कौन सी स्टेज में चली गई है, ये ब्लास्टुला स्टेज में चली गई है। और ब्लास्टुला स्टेज में जाने के बाद, ब्लास्टुला स्टेज में जाने के बाद इनमें क्या होगा, दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होगा, पहली होगी एक्टोड्रम, दूसरी क्या होगी, एंडोड्रम। अभी तो क्या है, एक्टोड्रम और एंडोड्रम दोनों पास पास है, लेकिन कुछ समय बाद, एक्टोड्रम बार बार विभाजित होगी, अर्थात बार बार विभाजित होती रहेगी, और एक समय ऐसा आएगा कि ये एक्टोड्रम क्या होगी, एंडोड्रम पर पूर्ण रूप से फैल जाएगी, अर्थात जहां जहां एंडोड्रम है उसके ऊपर एक्टोड्रम बिल्कुल फैल जाएगी। उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में भ्रूण जो हो जाएगा, भ्रूण जो होता है वो क्या होता है, जाइगोट, मुड़ जाता है। अब जब ये मुड़ेगा तो क्या होगी, एक्टोड्रम और एंडोड्रम एक दूसरे के पास आ जाती है। इस कंडीशन को हम थर्ड स्टेज कहते हैं गैस्टुला, थर्ड स्टेज कहते हैं गैस्टुला। अब हमने पहला स्टेज क्या पढ़ा, विदलन, विदलन में क्या कहा, बार बार कोशिकाओं का विभाजन। दूसरा स्टेज हमने क्या पढ़ा, ब्लास्टुला, ब्लास्टुला का मतलब मैंने क्या कहा, कोशिकाओं के मध्य कोरक गुहा का निर्माण होना ही क्या है, ब्लास्टुला। और गैस्टुला में क्या कहा कि जब एक्टोड्रम और एंडोड्रम, एक्टोड्रम एंडोड्रम के ऊपर फैल जाए और दोनों एक दूसरे के पास आ जाए और भ्रूण मुड़ जाए, तो इस कंडीशन में भ्रूण कौन सी अवस्था में चला जाएगा, गैस्टुला अवस्था में। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले एक आधांतर का, आर्केंट्रोन का निर्माण होता है। एक अब जब भ्रूण मुड़ता है, अर्थात इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं, जब भ्रूण एक मुड़ेगा, जब भ्रूण मुड़ता है तो उस कंडीशन में क्या होगी, एक गुहा का निर्माण होता है जिसको हम आधांतर, आधांतर या आर्केंट्रॉन कहते हैं। और इसका जो सिरा होता है, द्वार होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोरक रंध्र, ब्लास्टोपोर कहते हैं, अर्थात कोरक रंध्र या ब्लास्टोपोर कहते हैं। अब होगा क्या, आर्केंट्रॉन या आधांतर का निर्माण हो जाएगा। अब आद्यांतर के निर्माण के साथ, क्योंकि आद्यांतर का जो द्वार होता है वो क्या कहलाता है, कोरक रंध्र या ब्लास्टोपोर कहलाता है, और ब्लास्टोपोर के साथ ही
इसके मध्य एक गुहा का क्या होता है, निर्माण हो जाता है, जो सामान्य स्टेज में क्या होगा, अब होगा, अब भ्रूण की पृष्ठ सतह पर स्थित। नेक्स्ट डायग्राम से अपन समझेंगे। अभी हमने तीन स्टेज पढ़ ली है, विदलन, ब्लास्टुला और गैस्टुला। अब क्या होगी, भ्रूण की पृष्ठ सतह की, भ्रूण की पृष्ठ सतह पर एक्टोड्रम, जो भ्रूण की पृष्ठ सतह की और स्थित एक्टोड्रम अंदर की ओर धंसने से एक प्लेट रूपी, अर्थात एक प्लेट रूपी संरचना का निर्माण करती है, एक प्लेट रूपी संरचना का, एक प्लेट रूपी संरचना का निर्माण करती है, जिसे कॉमन भाषा में मेड्यूलरी प्लेट कहते हैं, अर्थात मेड्यूला या मेड्यूलरी प्लेट भी कहते हैं। अब ये प्लेट से क्या होगा, इस प्लेट के निर्माण के साथ ही अब इसमें क्या होगा, विभिन्न प्रकार के आगे जो अंग होते हैं वो निर्माण होना प्रारंभ हो जाते हैं, अर्थात भ्रूण की पृष्ठ सतह की ओर स्थित एक्टोड्रम अंदर की ओर धंसने से एक प्लेट रूपी संरचना का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मेड्यूटरी प्लेट कहते हैं। और ये मेड्यूटरी प्लेट आगे चलकर कोरक रंध्र, अर्थात आधांतर के जो द्वार थे, जिसको मैंने कहा था आधांतर के द्वार, अर्थात आर्केंट्रॉन के जो द्वार थे उसको क्या कर देती है, बंद कर देती है, अर्थात ये प्लेट जस्ट इसके ऊपर के अवस्थित होकर क्या करेगी, अभी देखिए ये तो क्या है, द्वार दोनों खुले हैं, अब भ्रूण मुड़ा हुआ है तो इसके दोनों सिरे खुले हैं, जिसको हमने क्या कहा था, कोरक रंध्र। और अब जस्ट इसके ऊपर मैं ये रख देता हूं प्लेट, तो क्या होंगे, द्वार बंद हो गए, इसी कारण मेड्यूटरी प्लेट के साथ ये कोरक रंध्र क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेज में क्या है, मेड्यूलरी प्लेट के साथ, प्लेट के निर्माण के साथ, मेड्यूटरी प्लेट के निर्माण के साथ कोरक रंध्र बंद हो जाते हैं। अब प्रश्न आएगा कि मन में कि मेड्यूटरी प्लेट का निर्माण क्यों हो रहा है, क्योंकि ये मेड्यूटरी प्लेट के निर्माण के साथ ही आगे चल के विभिन्न प्रकार के कोशिक जो अंग होते हैं शरीर में उनका क्या होगा, निर्माण होगा। क्योंकि अपन को पता है कि किसी भी भ्रूण को अगर सामान्य भाषा में कहें तो भ्रूण में तीन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मीसोड्रम। अब तीनों कोशिकाओं से क्या होता है, एक्टोड्रम तो शरीर के बाहरी परत, बाहरी भागों का निर्माण करती है जैसे त्वचा और ये, एंडोड्रम भीतरी भागों का, आहार नल जैसे पोर्शन, और मीसोड्रम बीच वाले भागों का, शरीर के अंगों का निर्माण करती है। इसका मतलब क्या है, तीनों प्रकार की कोशिकाएं अब धीरे धीरे क्या करेगी, शरीर में विभिन्न प्रकार के अंगों का निर्माण करेगी। इसीलिए ध्यान रखना, अब मेड्यूटरी प्लेट के निर्माण के साथ ही क्या होता है, कोरक रंध्र बंद हो जाता है। और बाद में मेड्यूटरी प्लेट से, अब चूंकि मेड्यूटरी प्लेट से कोरक रंध्र को बंद कर दिया, अब मेड्यूटरी प्लेट से आगे चलकर मेड्यूटरी खांच का निर्माण होता है, जिसको क्रैक भी कह सकते हैं। आगे चलकर मेड्यूटरी प्लेट से मेडुलरी खांच का निर्माण होता है, और यह खांच आगे मेडुलरी नलिका का निर्माण करती है। अब मेडुलरी नलिका के निर्माण के साथ ही एक लार्वा का क्या होगा, निर्माण हो जाएगा, और लार्वा क्या करेगा, अब जल में स्वतंत्र रूप से तैरता रहेगा। अब देखिए अभी तो क्या हुआ, अभी अपन ने परिवर्धन पढ़ा है। देखिए किसी भी जीव के शरीर में दो स्टेज होती है, एक तो होती है परिवर्धन, एक होता है कायांतरण।
अभी परिवर्धन पढ़ा, परिवर्धन हमने बताया विदलन, ब्लास्टुला, गैस्टुला और ये। अब जैसे ही मेडुटली नलिका का निर्माण हुआ, जीव धीरे धीरे लार्वा के रूप में बन जाएगा और आगे चल के ये वयस्क में परिवर्तित हो जाता है। अब जो इसका जो लार्वा स्टेज है वो हमारा सेकंड यूनिट का टॉपिक है, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। अब हमारा जनन जो टॉपिक होता है वो पूरा होता है। वापस रिवाइज कर दूं कि अंडमान उभयलिंगी प्राणी है, शुक्राणु अंडाणु का मिलन शरीर से बाहर होता है, फिर विदलन, ब्लास्टुला और गैस्टुला से होते हुए युग्मनज का, जायगोट का निर्माण हो रहा है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पाचन तंत्र। डाइजेशन सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम, देखिए हमने बेसिकली ये पढ़ा है कि जो पाचन तंत्र होता है वो मुख से प्रारंभ होकर गुदा पर समाप्त होता है। लेकिन क्योंकि अर्डमानिया में मुख उपस्थित नहीं होता, अर्थात वो एक छिद्र के रूप में उपस्थित होता है, जिसको हम सामान्यतः ब्रैंकियल छिद्र कहते हैं। अर्थात ब्रैंकियल छिद्र ही क्या करेगा, मुख का कार्य करेगा। अब देखिए ब्रैंकियल छिद्र जो मुख का काम कर रहा है, उधर कौन सा है, एट्रियल छिद्र। अब इनके दोनों के मध्य अंग्रेजी के वर्ण यू आकार की आहार नाल पाई जाती है। तो पोर्शन क्या है कि इनके शरीर में जो मुख का कार्य कौन करता है, वो करता है ब्रैंकियल छिद्र, और गुदा का कार्य कौन करता है, एट्रियल छिद्र, और इन दोनों के बीच में अंग्रेजी के वर्ण यू के समान आहार नाल पाई जाती है। अब देखिए ये सीलियरी विधि द्वारा भोजन को ग्रहण करता है, अर्थात इसके शरीर के अग्र भाग में छोटे सूक्ष्म आकार के सीलिया पाए जाते हैं। और हमें पता है कि सीलिया क्या करते हैं, जैसे भोजन कोई पास आ रहा है उसको पास आने देते हैं, फिर एकदम क्या करेंगे, स्पंदन करते हैं। अब चूंकि स्पंदन करते हैं तो क्या होता है कि हम जानते हैं एक लहर बनती है। अब जब लहर बनेगी तो जो भी भोजन का कण होगा वो इस लहर के साथ क्या होगा, इसके ब्रैंकियल छिद्र की ओर आता है, और ब्रैंकियल छिद्र की ओर जैसे जैसे आएगा ये उसको भोजन को ग्रहण कर लेता है। अब ये तो रहा इसका छिद्र, लेकिन ध्यान रखना इसके मुख पर एक छलनी नुमा संरचना पाई जाती है। अब छलनी नुमा संरचना का क्या कार्य है कि भोजन तो मुंह पर आ गया पास में, लेकिन हो सकता है भोजन के कण आकार में बड़े हो, क्योंकि ये डायटम छोटे आकार के जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। अब भोजन इसके पास आया, अगर भोजन आकार में बड़ा है तो ये उसको अंदर नहीं ले सकता, इसीलिए एक छलनी नुमा, जैसे अपन मटकी ऊपर छलनी लगाते हैं, वैसे ये छलनी नुमा संरचना होती है, अर्थात भोजन के सूक्ष्म कणों को तो शरीर में जाने देती है और बड़े कणों को क्या कर लेती है, बाहर रोक देती है, इसीलिए छलनी नुमा संरचना पाई जाती है। अब भोजन के कण इसके पास चले गए, अब जो आकार में अंदर चलेंगे, अब इससे पहले यहां पर एक ताप और रसायन संवेदी अंग पाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, दो चीज पाई जाती है, पहला है ताप, सेकंड है रसायन। ताप का कार्य क्या है, जल के तापमान को नापना, अगर ताप अत्यधिक है तो जंतु रह नहीं पाएगा। पहला जो चीज होती है जल का तापमान, क्योंकि प्रकाश पड़ता है तो धीरे धीरे तापमान बढ़ता रहता है, और अपन जानते हैं कि किसी भी जल समुद्र में ऊपर तापमान अधिक होता है, लेकिन हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं तापमान घटता रहता है, और ऊपर दाब कम होता है, लेकिन जितना नीचे जाते हैं वैसे दाब क्या होगा, बढ़ेगा। अब तापमान, दूसरा रसायन, क्योंकि अपन जानते हैं कई बार ऑयल रिसाव या विभिन्न कारणों से समुद्र का जल जो होता है वो दूषित हो जाता है, इसीलिए रसायन की जांच करेगा, और अगर वो पानी प्योर है तो ही उसको अंदर जाने देगा। अब आज की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने जनन और पाचन तंत्र के बारे में सामान्य चर्चा की, अब इससे जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी हम उसमें आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।